आप लोग बताइए मुझे कि क्या हाल है। क्यों आप लोगों को क्या लगा, मैं कुछ नया बोलूंगा? सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने इतना ज्यादा सच बोला था कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी को कलयुग में केजरीवाल की रचना करनी पड़ी। क्या मजाक है ये, किसी ने स्टेटस डाला है केजरीवाल के जगह पे मोदी का नाम होता तो और बढ़िया सूट करता। खैर छोड़िए, किसी ने स्टेटस डाला था ये, तो वही मैं सोचा कि देखता हूँ क्या है। तो और सुनाइए क्या हाल है जी, ठीक ठाक है? नहीं है ठीक ठाक। अच्छा, बताने वाले लोग आए नहीं है? बड़ा दमदार है, लोग कल मार रहे थे आपको। मैं एक चीज बताऊं, आज कह रहा हूं कि क्या मैं बताने वाला था। हाँ, जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत देश के व्यापारी के बारे में मालूम है क्या कहते हैं? भारत देश के व्यापारी के बारे में कहते हैं कि इन लोगों से व्यापार करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का कहना है कि ये भारत के जो व्यापारी हैं ये जुबान के इतने पक्के होते हैं कि इन्होंने एक बार जो कह दिया बस वो कह दिया, ये अपने बात से मुकर नहीं सकते, अपने जुबान से नहीं मुकर सकते। इनको घाटा हो फायदा हो इनको उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इन्होंने बस कह दिया तो बस वो पक्का है, वो पत्थर का लकीर हो गया जी। तो भारत के व्यापारियों के बारे में अंग्रेज ये कहते हैं। मतलब समझते हैं आप लोग क्या है? मतलब जुबान का पक्का होना ये भारतवासी का निशानी है। अब आप अपने आस पड़ोस में देख लो जी, कितने लोग झूठ बोलते हैं, समझ लो सब अंग्रेज हैं। ठीक है, धोखा देना, लूटपाट करना, झूठ बोलना, ये सब अंग्रेजों का निशानी है। क्यों? भारत वाले तो जुबान के पक्के होते हैं। नहीं, झूठ बोलता है तो भारत का कहाँ है? ठीक है जी, तो ये अंग्रेज जो है भारत के व्यापारियों के बारे में ऐसा कहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार आदमी हैं, तेजस्वी लोग हैं। क्यों, सही है ना? बहुत तेजस्वी लोग आज आए नहीं है। आए हैं। अच्छा, अभी टाइम हो रहा है। ओ, सही बात है। ओ, ऐसा, चलिए जी। तो क्या क्या पढ़े थे हम लोग कल? नहीं बताओगे? ओ, कॉम्बो बॉक्स पढ़े थे। आपका याददाश्त तो और तगड़ा है। चेक बॉक्स पढ़े थे और कोई रेडियो बटन भी कह दो। क्यों, यही बात है? चलिए जी, तो कल वाला सारा प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया था? नहीं किया था कल वाला? देखिए जी, मैं रोज रोज एक ही डायलॉग मार मार के मुझे बोरियत हो रहा है, मैं थक चुका हूँ। इसीलिए सोच रहा हूँ आज कुछ नया ट्राई करें। ठीक है, तो आप लोगों का प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता कि क्या है। अच्छा, आप लोग किए थे? कौन कौन प्रैक्टिस नहीं किया था जी? गुड मॉर्निंग मैम, देखने हैं चिकनिंग करनी है क्या? वो क्या चीज, वो किधर था? लेकिन मैं भूल गया कहाँ था। अच्छा अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग प्रैक्टिस आखिर क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है? कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते, उसका क्या कारण है? सिर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, बुखार आ गया था, सर्दी जुकाम हो गया था, कोरोना हो गया था। क्यों? चलिए, अगला मैं आज सोच रहा था कि आपको लिस्ट बॉक्स बताऊं, लेकिन लिस्ट बॉक्स बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग को मैं एरे बता दूं। एरे आपने थोड़ा सा सी में पढ़ा था ना?
अगर आप लोग को याद हो तो पढ़ा था ना आप लोगों ने। चलिए जी, तो मैं एरे को बता लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन में, ठीक है। फिर जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को कहाँ, क्या कहते हैं उसको, विंडोज एप्लीकेशन में, मतलब लिस्ट बॉक्स में थोड़ा सा एरे वगैरह का शायद कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, ठीक है। तो कंसोल में हम जाएंगे और कर देंगे ओके, ठीक है जी। समझ में आता है आप लोगों को या फिर बस? हाँ, समझ में आ रहा है, सिर्फ मुड़ी हिलाते हो आप लोग, हाँ हाँ बोल के समझ में आ रहा है। सच में कुछ समझ में आता है या ऐसे ही? इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस कम करा है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। नेम एक तो स्टूडेंट का मैं रख लूंगा यहाँ पे, क्या नाम लिख दूं? सिंपल सा स्टूडेंट वन लिख देता हूँ, ठीक है। टू थ्री फोर फाइव, मान लीजिए कि स्टूडेंट का ये नाम है ऐसा, ठीक है। अब स्टूडेंट वन टू थ्री तो नाम होता नहीं है किसी का, अब कोई रख ये लेगा तो हम रोकने तो जाएंगे नहीं, ठीक है जी। लेकिन ऐसा होगा तो नहीं ना? नहीं होगा। मैं टाइप कर रहा हूँ शायद इसलिए हिल रहा है ये, मैं कोशिश करूँगा कि अब ना। एक मिनट रुकिए, तो मैं दूर करता हूँ अपना टेबल। तो स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फाइव, मेरा जरूरत था क्या पांच तो स्टूडेंट का नाम रखने का? स्टूडेंट वन रख लिया, स्टूडेंट टू रख लिया, स्टूडेंट थ्री रख लिया, पांच तो वेरिएबल भी तो बनाने पड़ गए क्यों? अब यहाँ पे एज स्ट्रिंग जो लिखा जाता है ना, वो मैंने नहीं लिखा है क्यों? इम्प्लिसिटो ले लिया, ले लेगा वो स्ट्रिंग में, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना कि लिखा है चाहे नहीं लिखा है, इसका कारण तो मैंने बताया ही है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत अच्छा होता कि एक तो हम वेरिएबल बना लेते और एक ही वेरिएबल में रखा जाता है सारा नाम, अच्छा होता ना? हाँ, कैसे? बात तो सही है, एक ही वेरिएबल में पांचवें स्टूडेंट का नाम हम कैसे रखेंगे? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है क्या? एरे, ठीक। एरे का मतलब यह है कि एरे में मल्टीपल जो है डेटा ऐड रख सकते हैं आप, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल ए वेरिएबल है, इसमें क्या रखेंगे हम जी? एक ठो सिर्फ वैल्यू रख सकते हैं, दूसरा रखेंगे तो पहला वैल्यू हट जाएगा, ठीक है, तीसरा रखेंगे तो दूसरा वैल्यू हट जाएगा, ठीक है, ठीक है ना? तो इसीलिए एरे हम एक ठो बनाएंगे। एरे का क्या कह सकते हो आप कि जिस टाइप का एरे होता है उसी टाइप का डेटा मल्टीपल हम रख सकते हैं एरे के अंदर, ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए जी, तो मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए और एरे टाइप का वेरिएबल बना लूँ नेम एज strings। स्ट्रिंग, अब हमें कितना जो है वैल्यू रखना है वेरिएबल में, तो यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, लिख दूंगा मैं पाँच, ठीक। तो ये क्या बन गया अब? एरे टाइप का वेरिएबल ये बन के तैयार हो गया है, इसमें हम पाँच ठो वैल्यू अब क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। कैसे रखेंगे जी? नेम लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इसमें जीरो लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे नेम लिख देंगे जी। क्या नेम लिख दूँ? स्टूडेंट वन, ठीक है जी। तो ऐसे हम रख लेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम जो है पांचों स्टूडेंट का नाम हम लिख लेंगे, रख लेंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर, ठीक है। प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे जी? प्रिंट कैसे होगा ये मुझे आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। रीड लाइन, ताकि स्क्रीन रुके, ये प्रिंट कैसे होगा बताइए जरा। कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे मैंने लिख दिया, बताइए अब राइट लाइन के अंदर में मैं क्या लिखूँ तो ये प्रिंट होगा?
इसको मुझे प्रिंट कराना है। अच्छा स्टूडेंट 2 3 लिख देता हूँ यहाँ भी। क्यों बताइए जी। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख दूँ, यहाँ पे स्टूडेंट 1 लिख दूँ। देखिए इस वैल्यू को, ठीक है, इस वाले वैल्यू को मुझे यहाँ पे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो अब बताइए यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ। नेम 5, नेम ऐसे लिख के 5 ऐसे लिख दूँ। हाँ 5 ऐसे। डबल कोट में लिख दूँ यहाँ पे ये स्टूडेंट ऐसा लिख दूँ। तो यहाँ पे फिर वेरिएबल बना के लिखने का क्या जरूरत था, वही नेम तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वेरिएबल में स्टोर है ना अभी नेम नाम के। ये तो आपने हार्ड कोड यहाँ पे करा दिया स्ट्रिंग में, ये वैलिड नहीं है। नेम 0 लिख दूँ यहाँ पे, नेम 0 ऐसे 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 आपने बोला ऐसे, ये तो गलत बता रहा है जी प्रोग्राम। अच्छा दोनों को, ठीक है जी हम दोनों को लिख देते हैं। लेकिन ऐसा लिखूंगा तो क्या होगा, नेम 0 प्रिंट हो जाएगा, आप देख लीजिए। वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराने के लिए क्या करना चाहिए, डबल कोट में नहीं थोड़ी लिखना चाहिए। आप ऐसे कर लो, सिंपल सा बात है ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा जी, ठीक। आ गया ना स्टूडेंट 1। चलिए इसी को मैं नीचे पे आ जाऊंगा, यहाँ पे कर दूंगा 1, ठीक, और यहाँ पे कर दूंगा तो स्टूडेंट 2 आ जाएगा जी। आ गया ना, तो ये हो गया जी। पेंटिंग में आते हैं, मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा है इंटरनली, ठीक है। इसको कर लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, इसको भी कर लेता हूँ ऐसे, इसको भी कर लेता हूँ मैं ऐसे। 1 2 3 4 5 हो गया 5। नेम, ठीक, तो अगर मैं क्या करता, नॉर्मल वेरिएबल बनाता। नॉर्मल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इस तरह का, इस तरह का बनाता, ठीक है। अगर इस तरह का वेरिएबल बनाता तो क्या होता, इंटरनली इस तरह का डब्बा एक ठो बनता और इसमें जो भी हम रखते यहां पे स्टोर हो जाता, ठीक। यहां पे जाके स्टूडेंट स्टोर हो जाता, ठीक, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे स्टोर हो जाता, नॉर्मल वेरिएबल बनता। लेकिन हमने इसी को क्या करा, ऐसे कर दिया, अगर यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है, ऐसे, तो ये किस टाइप का फिर वेरिएबल बना। इधर से मैं ले लूं इसको तो ये बन गया इस तरह का वेरिएबल, ठीक, इस तरह का डब्बा बन के रेडी हो गया। कितने, 1 2 3 4 5, 5 ठो डब्बा बन गया। अब इन सबको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो एक ठो डब्बा था, नेम लिख देते थे तो ये डब्बा में हम डेटा रख लेते थे ना। लेकिन यहाँ पे तो अनेकों हैं तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे 5 आपने दिया है ना, यहाँ पे इंडेक्सिंग पास करेंगे, ठीक। अब इंडेक्सिंग कैसे होता है, इंडेक्सिंग आप देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका इंडेक्सिंग है 0, ठीक,
तो जीरो है तो उसको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, नेम लिखने के बाद जीरो ऐसे, ठीक जीरो होगा। इसको मैं बड़ा बना लेता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा वन, ठीक है, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ठीक है, और इसका हो जाएगा फोर, ठीक, समझ में आ गया आपको। तो ये जीरो कहलाएगा, ये वन कहलाएगा, ये टू कहलाएगा, ये थ्री कहलाएगा, ये फोर कहलाएगा। तो जीरो से फोर तक पांच वैल्यू हो गया ना। तो आप इसमें कैसे डेटा रखेंगे, नेम जीरो के सहायता से इसमें, नेम वन के सहायता से इसमें। मैंने यहाँ पे क्या रखा था, स्टूडेंट वन, तो यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट वन, ठीक है जी, ऐसे ऐसे इसमें डेटा आप रख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे टू आ गया तो टू हो गया, ठीक है, तो इन सब में स्टोर हो जाएगा डेटा ऐसे थ्री, ठीक है ना। तो इतना बात तो क्लियर होगा आपको, है नहीं है। स्टूडेंट वन के जगह पे कुछ भी आप नाम रख सकते हो, जैसे राम श्याम मोहन, ठीक है, मैंने स्टूडेंट वन, स्टूडेंट थ्री, टू स्टूडेंट थ्री, फोर फाइव लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह से डेटा इसमें रखा जाता है, ठीक है, यही कहलाता है जो है एरे। एक ही वेरिएबल है लेकिन इसमें कई सारे जो है मेमोरी एलोकेट हो गए हैं। कितना मेमोरी एलोकेट हुए हैं, जितना यहाँ पे है, ठीक है जी। आप अगर चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर लीजिए, लूप के माध्यम से डेटा आप प्रिंट करा दीजिए। कैसे लूप के माध्यम से प्रिंट होगा जी, नेम लूप के माध्यम से, यानी हमें नेम यहां पे लिखा मैं जीरो, ठीक है, इसमें कुछ डेटा मैं डाल देता हूं, ये सिंबल नहीं होता विजुअल में, ये सिंबल होता है, ठीक है, कुछ नाम और लिख देते हैं, नाम और कुछ बताओ जी, अमित लिख देता हूँ, यहाँ पे सुमित लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख दो, मोहन लिख देता हूँ, श्याम लिख दूँ, श्याम भी लिख देता हूँ, ये काहे बचा रहेगा। कंसोल डॉट डॉट क्या कर दूँ जी, राइट लाइन, ठीक है जी, यहाँ पे क्या कर दूँ नेम, यहाँ पे क्या कर दूँ लिख देता हूँ टू, टू लिख देता हूँ, ठीक। तो जरा आप लोग बताइए अभी क्या प्रिंट होगा अगर मैं रन करूँगा प्रोग्राम, तो नहीं प्रिंट होगा पक्का, देख लीजिए जी, सच में नहीं प्रिंट होगा, ये देख लीजिए, क्यों नहीं हुआ, कोई कारण बताएगा इसका। हाँ आप लोग तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, जीरो जीरो हम सारा इंडेक्स लिए थे तो क्या हो गया, नहीं हुआ जी। अब प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा पक्का, चलिए जी, जब हुआ होना होगा तो ये जाएगा। इसी को हम लूप के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं, कैसे, फॉर लूप आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, यहाँ पे जो फॉर लूप होता है वो अलग तरीके से चलता है, ठीक, कैसे चलता है, डीम आई एज इंटीजर, ठीक है, इसमें पास कर देते हैं जीरो, तो इन सबको एक ही बार में प्रिंट हम कर लेंगे जी। कैसे प्रिंट करेंगे, लूप चला के, ठीक है, तो इन सबको आप भूल जाइए, पहले यहाँ पे देखिए कि लूप चलेगा कैसे। अच्छा लूप हम क्यों चलाते हैं आप लोग बताओगे, मैं बताया था आप लोगों को क्यों चलता है लूप वगैरह, लूप क्यों चलाया जाता है, नहीं बताओगे,
कुछ एक ही तरह के काम को हमको बार बार करना पड़ता है, इसलिए हम लूप चलाते हैं। जो लूप का मतलब होता है कोई एक ही कुछ एक ही स्टेटमेंट को बार 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 रिपीट करना, राइट। बाकी डेफिनेशन तो मैंने आपको लंबा चौड़ा बता ही दिया है क्या था। कैसे चला देंगे, फॉर लिख देंगे, आई पहले से वेरिएबल बना हुआ है, इक्वल टू इसको क्या दे दे दी, जीरो दे दें, वन दे देता हूँ मैं। वन टू कहाँ तक चला दें जी, फोर तक चला दें, ठीक है जब आप कह रहे हैं तो हम चला दे रहे हैं, ठीक है फोर ए तक। अब इसके बाद क्या कर देंगे जी, कंसोल डॉट क्या कर दूँ, राइट लाइन कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे आई को, तो क्या प्रिंट होगा जी यहाँ तक बताइए, अभी प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, नहीं बताओगे, बताओगे अमित, प्रिंट हो जाएगा नहीं। चलिए आप लोगों ने तो एक ही बार 10-20 झंडा गाड़ दिया क्यों गाड़ दिया ना, नहीं गाड़ा है आपने झंडा, चलिए नहीं गाड़ा है तो ठीक है, तो बताइए क्या प्रिंट होगा अभी, नहीं बताएंगे, बता दो, नहीं बताओगे, बताओ भाई, अमित प्रिंट होगा, आपको भी यही लगता है तो। और आपका क्या नाम है, अनुज, बताओ भाई क्या लगता है आपको, आपको भी लग रहा है अमित प्रिंट हो जाएगा, चलिए आपने फिर जब प्रिंट हो जाएगा अमित आपको भी लगता है तो आपने भी 8-10 झंडा गाड़ दिया, आपको भाई क्या लगता है, आपको क्या लगता है चारों नाम प्रिंट हो जाएगा चलिए जी आपने तो एक ही बात में जाने कितने झंडे गाड़े तो कुछ लोगों को लगता है अमित प्रिंट हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता है जी चारों नाम प्रिंट हो जाएगा, क्यों, लेकिन आपको जान करके अत्यंत प्रसन्नता होगा कि कुछ नाम नहीं प्रिंट होगा, बस 1-4 तक गिनती प्रिंट होगा, क्यों होना चाहिए ना, देख लीजिए हो गया, नाम क्यों नहीं प्रिंट हुआ, आप ही थोड़ा बता दीजिए जी, ए नेम नहीं लिखा हूं इसलिए, चलिए जी लिख देते हैं, आप बताइए जी क्या प्रिंट होगा, अब क्या प्रिंट होगा, नहीं बताओगे, हाँ बता भी दो, आप प्रिंट हो गया, ठीक है इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, जीरो, तब कहाँ से प्रिंट होगा, हाँ ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को ये लूप, ठीक है जी, तो आगे चलें, लूप कितने तरह के होते हैं जी, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है, लूप का आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करा था ना, करा था नहीं करा, अच्छा आपको लूप बताना पड़ेगा मुझे या आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे लूप का, बता दूं लूप, चलिए जी ये लूप चल कैसे रहा है उसके लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे आता हूँ मैं, ब्रेक पॉइंट लगाया, कैसे कैसे कोड चल रहा है आप लोग देखिएगा, आगे गया मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में आया कंट्रोल, ठीक है इस पर क्लिक करा तो आ गया इसमें, ठीक है फिर इस पर क्लिक करा आ गया ये वेरिएबल बन गया, ठीक है इस वेरिएबल में कितना वैल्यू है अभी जीरो है, फिर से स्टेप ओवर करा तो आ गया यहाँ पे, इसके जीरो इंडेक्स पे अभी नथिंग है,
जब आगे जाऊंगा तो फिर इसमें आ जाएगा कुछ। ये देखिए यहाँ पे राम आ गया है, ये देखिए वेरी आ गया है ना, आ गया है। अब यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे अभी नथिंग है, मैंने कुछ नहीं है, तो आगे जाऊंगा तो वेरिएबल में पूरा डेटा वैल्यू असाइन हो गया। फिर आ गया यहाँ पे फॉर लूप में, फिर आ गया आई का वैल्यू अभी जीरो है जी। नेक्स्ट पर क्लिक करा मैंने, यहाँ पे आ गया नेम, नेम में आई गया है और आई का वैल्यू कितना है, जीरो ही है। ये देखिए जीरो आ रहा है ना, तो जीरो वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। फिर से ओवर किया तो यहाँ से प्रिंट होने के बाद यहाँ पे कर्सर गया, फिर किया तो फिर यहाँ पे आया था कर्सर, ठीक है। वन एक इंक्रीमेंट करा, अब सी या जावा या सी शार्प में जो है इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है वो भी पता चल जाता है। यहाँ पे भी एक स्टेप जो है दिया जाता है, ठीक है, स्टेप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, स्टेप दिया जाता है। अभी आई का वैल्यू क्या है, वन है, तो यहाँ पे वन का वैल्यू आ जाएगा। फिर से ओवर करूँगा तो प्रिंट हो जाएगा, इधर दो ठुनाम इधर प्रिंट हो चुका है, ठीक है, अभी यहाँ पे हुआ है। अगला स्टेप गया तो यहाँ पे किस क्या वैल्यू हो चुका है, दो, तो सुमित जो है यहाँ ए वाला लाइन अब चला, ठीक है, यहाँ पे सुमित लिखा है, इस वाले लाइन पे भी कर्सर है और सुमित लिखा है, प्रिंट हो गया, सुमित प्रिंट हो गया होगा। अभी नहीं हुआ है जी, आगे बढ़ेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे आया, ए लाइन चल गया, उस समय नहीं चला था, और नेम में सुमित आ गया इस वेरिएबल में। यहाँ पे नेक्स्ट पे अभी मेरा कर्सर है, ये देख लीजिए, यहाँ पे सुमित प्रिंट हो गया है, ठीक है जी। तो ये इसी तरह से जो है ये काम करता है, ठीक ना। तो आप देख ही ले रहे हो कैसे लूप चल रहा है जी, लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ प्रोग्राम। तो आपको कुछ समझ में आया जी, आप लोग को नहीं आया, आया समझ में कुछ, नहीं समझ में आया, हटा देता हूँ इसको। सिंपल गिनती पहाड़ा तो आप प्रिंट ही कर लोगे जी, ठीक है, आई है। यहाँ पे क्या चाहता हूँ मैं, 100 तक गिनती प्रिंट हो जाए जी, ठीक है, एक से लेकर के 100 तक गिनती प्रिंट हो जाए। तो अभी क्या होगा जी, 100 तक गिनती प्रिंट हो गया है, देखिए यहाँ 100 आ गया है आपको, बस ये देखिए 100, ठीक है। चाहते हैं आपकी लाइन ना ब्रेक करे तो क्या कर देना चाहिए जी, हमको ऐसे प्रिंट कर देना चाहिए, राइट लाइन क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है, देखिए 100 तक प्रिंट कर दिया। आप चाहो तो इसमें एक स्पेस जो है कॉन्केटिनेट कर दो, तो स्पेस स्पेस के साथ होगा, ठीक है जी। नो स्पेस दे देता हूँ इनके बीच, ठीक है, ऐसे कॉन्केटिनेट हो गया। अब 100 तक गिनती प्रिंट हो गया जी, 2 यहाँ पे करता हूँ स्टेप। अब रन करूँगा तो आप देखिएगा क्या होगा, 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ, फिर 7 प्रिंट हुआ, मतलब सारे के सारे विषम संख्या क्या हो गए, प्रिंट हो गए। बढ़िया, कमाल का टेक्निक है ना। चलिए जी, स्टेप 2 का मतलब क्या होगा, स्टेप 2 का मतलब है कि 1 में क्या करें, 2 जोड़े, ठीक, तो 1+2 बराबर कितना आया, 3 आ गया, तो क्या हुआ, 3 प्रिंट कर दिया, आई का वैल्यू 3 हो गया था, ठीक, आई का वैल्यू 3 हो गया था, दो दो स्टेप पे इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कि इंटरनली क्या हो रहा है स्टेप का मतलब, ठीक है। आई इक्वल टू आई प्लस 2, मैं स्टेप में 2 ही दिया था ना, तो यहाँ पे स्टेप 2 कर दिया तो क्या हुआ, आई में जो वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 2 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, यहाँ पे 3 असाइन हो गया, ठीक है। लेकिन ये कहाँ होगा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 1 प्रिंट हो लेगा, तब जो है इंक्रीमेंट करेगा, तब फिर 1 3 आएगा, ठीक है जी। देख लीजिए क्या हो गया, मजा नहीं आया, फोन बजने दीजिए, फोन
ठीक है जी, रन करता हूँ मैं प्रोग्राम जी। ये तो 147 प्रिंट हो गया, मज़ा नहीं आया जी। ये टेक्निक तो हमारा काम ही नहीं किया जी। क्यों काम नहीं किया जी, कोई कुछ बताएगा? थ्री स्टेप बढ़ा देता है, मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर जो i is equal to i plus 2 रखे हैं ना, हाँ, तो जो i का वैल्यू है 1, तो वहाँ i की जगह 1 साइन कर दे रहा है, तो उसने प्लस 2 जोड़ दे रहा है, इसके बाद प्रिंट कर दे रहा है, इसलिए 1 के बाद 4 आ रहा है। तो इसलिए 1 के बाद 4 आ रहा है, ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। हो ये रहा है कि ए वाला लाइन, जैसे ही ए वाला लाइन हमारा चल रहा है ना, तो उसके बाद एक जो है और इंक्रीमेंट कर दे रहा है आई, इसीलिए जो है ऐसा आ रहा है, ठीक है जी। तो इंटरनली एक एक जो है, एक कंपाइलर भी जो है क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, इसीलिए जो है कंपाइलर कह रहा हूँ, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो बढ़ा दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कॉमो कमेंट कर देता हूँ इस कोड को, ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट एक एक को बढ़ाता है, ठीक है, एक एक बढ़ाता है, तभी तो 1, 2, 3, 4 प्रिंट होता है ना। तो जो एक एक बढ़ाता है बाई डिफॉल्ट, वो बढ़ा ही रहा है, ठीक है, इसीलिए जो है हमारा इस कैलकुलेशन में गलत हो गया। अब यहाँ पे आप जो स्टेप लिख देंगे जी, ठीक है, वो स्टेप जो है यहाँ पे आ जाया करेगा, ठीक है। 3 लिख देते हैं तो 3 स्टेप जो है आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ये देखिए, हम चाहते हैं कि यहाँ का स्टेप को हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके i इक्वल टू i प्लस 1 अगर कर दूंगा, तब जो है 2-2 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये देखिए हो गया है 2-2 का इंक्रीमेंट। तो ये जी स्टेप क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है जितना हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि क्या हो, पूरे सम संख्या प्रिंट हो जाए, तो सम संख्या प्रिंट करने के लिए 0 लिख दूं जी यहाँ, तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा, बोलिए हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर से कुछ ट्राई करेंगे ऐसे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग प्रिंट कर लोगे गिनती पहाड़ा। यहाँ पे क्या कर दो जी, 2 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, 20 लिख दो, यहाँ पे 2 है ही। अब इसको क्या कर दो, रन कर दो, तो क्या हुआ, 2 का पहाड़ा 20 तक प्रिंट हो गया। मैं क्या चाहता हूँ जी, मेरे से पूछे कि पहाड़ा कितने का प्रिंट करना है, ठीक है, तब फिर जो है प्रिंट करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीम टेबल नाम का वेरिएबल बनाया, एज इंटीजर लिख दिया, इसमें पास कर दिया मैं 3, ठीक, 3। अब इस वेरिएबल को इन सब में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो टेबल को दे दिया मैं आई को, आई में क्या है, आई में जो टेबल में होगा वो आई में होगा, तो आई का वैल्यू डायनामिक आएगा यहाँ पे, इस वेरिएबल से आएगा ना। अब यहाँ पे 20 है, मान लो 3 का पहाड़ा प्रिंट करना है तो यहाँ पे 30 होना चाहिए, 4 का पहाड़ा प्रिंट करना है तो यहाँ पे 40 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, टेबल को मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, किससे, 10 से, तो आ जाया करेगा ना। और यहाँ पे स्टेप कितना बढ़ना चाहिए, जितना टेबल, जिसका टेबल प्रिंट करना है उसी का स्टेप बढ़े तो मज़ा आ जाए फिर, ठीक है। तो रन कर दूँ, चल जाएगा ना, चलेगा, चल जाएगा। अब यूजर से लेना है तो यहाँ पे क्या कर दो जी, कंसोल डॉट रीड लाइन कर दो, ठीक है, चलिए जी, 2 करा, प्रिंट हो गया 2 का टेबल, फिर से 3 दबाया, 3 का टेबल आ गया, जितने का टेबल आपको लाना है जी यहाँ पे ले लाओ, ठीक। 18 का टेबल याद कर लो, यही है, आप लोग को आता है नहीं आता, बोल दो, बचपन में पढ़े थे आप भूल गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे आप लोग, टेबल प्रिंट कर लिया करोगे, ठीक।
तो ये क्या है जी, फॉर लूप। इसी तरह से क्या होता है, वाइल लूप होता है। वाइल लूप माने क्या, वाइल लूप यहाँ पे क्या कर दिया, आई दे दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी ट्रू, टी आई यू, ठीक, एंटर मारूंगा तो नीचे आ जाएगा एंड वाइल। यहाँ पे लिखा जाता है कंडीशन। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है लिखना है, टेबल प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेबल का नाम, टेबल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे टेबल ना लिख करके यहाँ पे मैं ट्रू ही लिख देता हूँ, टी आर यू ई, ठीक है, ट्रू लिख दिया जी, ठीक है। अब हमको क्या करना चाहिए, या फिर यहाँ पे आप कंडीशन लिख दो, क्या कंडीशन लिख दो, जैसे मान लो टेबल में यूजर से इनपुट लूंगा मैं, ठीक है, मान लो 3 इनपुट लिया हूं मैं यूजर से, ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन को, ठीक है, यूजर से इनपुट 3 लिया हूं, तो यहां पे 3 आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे जी, वाइल में आया और लिखा यहां पे, ये लूप कब तक चले, जब तक कि टेबल का वैल्यू 30 हो या 30 से नीचे हो, ठीक। तो टेबल लेस ग्रेटर देन यार, लेस देन इक्वल टू क्या कर दूं, टेबल मल्टीप्लाई बाई कितना, 10, ठीक, अगर है तो क्या कर दो, ये प्रिंट कर दो जी, फिर क्या कर दो, कंसोल डॉट आ जाओ राइट लाइन में, ठीक है, रीड लिखता हूँ कहाँ से, और यहाँ पे क्या कर दो जी, टेबल को जो है प्रिंट करा दो, ठीक है। तो ज़रा बताइए आप लोग, अभी प्रिंट कर, अभी कम रन करूँगा प्रोग्राम तो क्या चलेगा, यहाँ पे कंडीशन जो है हमारा लिखा जाएगा, ठीक, यहाँ पे ट्रू आएगा तो प्रोग्राम जो है ये चलेगा, लूप चलेगा, और यहाँ पे फॉल्स रहेगा तो प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा, माने लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम क्या टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो लूप तो मैंने आपको बता ही दिया है, सी में भी आप लोग जान गए हो लूप, ठीक है। तो आउटपुट आप लोग बताओगे अभी क्या आएगा, नहीं बताओगे, 3 का टेबल आ जाएगा, और पीछे बताइए जरा, 3 का टेबल आ जाएगा, नहीं आएगा, अनुराग टेबल आ जाएगा, 3 का नहीं आएगा पक्का, पीछे टेबल पक्का आ जाएगा ना, 3 का नहीं आएगा, पूरा टेबल नहीं आएगा, कहाँ तक आएगा, 9 तक आएगा, कितना तक आएगा, आपको जान करके प्रसन्नता होगा कि आप लोग बिल्कुल गलत बताए हैं। देख लीजिए क्या प्रिंट होगा, हो गया ना, ये लीजिए जी, ठीक। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अरे टेबल को बढ़ाना घटाना तो पड़ेगा, ठीक। चलिए जी, टेबल इक्वल टू टेबल प्लस क्या कर दें जी, बताइए जरा, अब बताइए जरा क्या आएगा आउटपुट, इतना प्रिंट हो गया जी, तो मजा नहीं आया, क्यों मजा नहीं आया ना, तो आप लोग जरा बताइए कि हम ऐसा क्या टेक्निक इस्तेमाल करें कि आ जाए, बताओगे नहीं बताओगे, बताओगे जी क्या कर दें, आप लोगों को याद है मैंने सी में कुछ टेक्निक बताया था, नहीं याद है, याद है, याद है नहीं है, याद नहीं बताओगे, बोलिए बता के भी क्या फायदा, बोल रहे अर्थमैटिक रिजल्ट इन ओवरफ्लो, ठीक है जी, ये क्यों कह रहा है ऐसे, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप लोग बताएंगे क्या ये ऐसा क्यों कह रहा है, नहीं बताएंगे,
बताओगे नहीं बताओगे? चलिए जी, आप लोग नहीं बताएंगे तो हम कुछ काम करते हैं आपके सामने, जिससे कि आपको शायद कुछ सहायता मिले, ठीक है? ये तो इनफाइनाइट तक चल गया जी, ठीक है? ये क्या मतलब है इसका, ये इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, मज़ा नहीं आया ना? चलिए जी, अच्छा ये क्यों हो रहा है आप लोग बताएंगे मुझे? नहीं बताएंगे? कह दो, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बताएं, क्यों? देखिए मैं ही बता दे रहा हूँ, जब आप लोग नहीं बताएंगे तो डीम, एक तो और मैं नाम वेरिएबल ले लेता हूँ क्या, आई नाम से, ठीक, आई एज इंटीजर, ठीक, और इसमें भी क्या लिख दूंगा, टेबल को इसमें पास कर देता हूँ, टी ए पी, क्या मैं दबा दे रहा हूँ, टी ए बी एल, ऐसे, ठीक। अब मैं क्या करूंगा जी, यहां पे आके लिख दूंगा आई, ठीक, लिख देता हूं आई, और यहां पे तीन ही अभी रहने देता हूं, इसको मैं बदलूंगा, ठीक है? अब आउटपुट क्या आएगा आप लोग बताने का कष्ट करेंगे? आप लोग अब समझ गए होंगे आउटपुट क्या आएगा। तो क्या रीजन था पहले वाले में, आप लोगों को समझ में कुछ आया नहीं आया? अब यहां पे हम टेबल प्लस क्या कर देंगे, टेबल भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? पहले दिक्कत था, क्यों था, तो आप लोग बताएंगे? ये तो हो गया जी दिक्कत, इतना सारा दिक्कत हो गया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी, यहाँ पे हम आई कर देंगे, ठीक है, तब दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, तो आप लोग बताएंगे, पहले दिक्कत था अब क्यों नहीं है? बोलिए, कोई समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है? देखिए सबसे क्या कारण है, तीन जो है असाइन कर दिया मैं टेबल में, ठीक। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल लेस देन इक्वल टू आई, आई को भी हटा के मैं टेबल ही कर दे रहा हूँ, ठीक, टेबल मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसका जो भी रिजल्ट आए वो अगर इस नंबर से छोटा है या बराबर है तो लूप चले, ठीक है जी, समझ में आ रहा है इतना बात। फिर यहाँ पे टेबल को हमने प्रिंट करा, फिर यहाँ पे हमने क्या करा था, पहला बार में टेबल को ही लिख दिया था जी, टेबल ही लिख दिया था ना, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए टेबल जो है, ठीक है, टेबल का वैल्यू 3 था, 3 टेबल का वैल्यू यहाँ पे 3 था, 3 और 3 6 हो गया, इस टेबल में आ गया क्या, 6 आ गया, 6। चलिए जी, फिर लूप यहाँ से आया यहाँ पे, फिर इस टेबल में कितना है, 6, इस टेबल में कितना है, 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, 6 दहा कितना हो जाएगा, 60, यहाँ पे 6 कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे प्रिंट कर देगा जी, 6 प्रिंट करेगा ना। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा ना, नहीं होगा, फिर इस टेबल में क्या चला जाएगा, 12 जाएगा ना, फिर यहाँ से आएगा यहाँ पे, इसको मैं 12 बना देता हूँ ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 10 है, तो 12 दहा का कितना होगा, 120 होगा जी, ठीक है? तो 120 12 से तो छोटा ही होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, फिर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, 12 प्लस 12, इसमें क्या साइन हो जाएगा, 12 दूना नहीं बताओगे, 24। लगता है पहाड़ा कमजोर है क्या आप लोग का, 24 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 24, ठीक। फिर से ये जाएगा यहाँ पे 24, और 24 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 240, ठीक, 240 24 से तो छोटा होता है। अब ऐसा ही कंडीशन चलेगा तो कंडीशन तो हमेशा इनफाइनाइट ही होगा ना, चला के देखता हूँ क्या जी, 3 6 12 वही आ गया ना आउटपुट, तो यही प्रॉब्लम था जी, ठीक है?
समझ में आ गया आपको? नहीं आया? अब यहां पे हमने फिर आई कर दिया, ठीक, फिर हमने यहां पे क्या कर दिया, आई। तो अब क्या हो रहा है, आई का वैल्यू कभी नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है किसका, टेबल का वैल्यू, ठीक, टेबल का वैल्यू सिर्फ बढ़ रहा है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए शुरू बार टेबल का वैल्यू कितना था, तीन, और वही तीन को असाइन कर दिया किस में, आई में। अब यहाँ पे मैंने टेबल को लाया, ठीक, मतलब यहाँ तीन आ गया, फिर आई में कितना है, तीन, तीन को मल्टीप्लाई कर देंगे दस से, तो क्या होगा, तीस, थर्टी हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, तीन, तो टेबल इक्वल टू टेबल प्लस आई, तो आई में कितना है, तीन, टेबल में कितना है, तीन, तीन तीन कितना होता है, छः, किस में असाइन हो जाएगा, टेबल में असाइन हो जाएगा छः। फिर हम आएंगे यहाँ, यहाँ पे अभी क्या है, छः, टेबल मतलब छः, छः टेबल में चला गया है। अब यहाँ पे आई है, आई में कितना है जी, तीन, हमने तीन तो असाइन करा था ना आई में, तीन, तीन को मल्टीप्लाई करेंगे दस से आ जाएगा तीस, तो तीस जो है छोटा होता है छः से, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा छः, ठीक। फिर यहाँ पे आएगा इस टेबल में, इस टेबल में कितना है जी, छः, यहाँ पे कितना है, तीन, ठीक, तीन है यहाँ पे, छः और तीन नौ, यहाँ पे आ जाएगा नौ, इसमें चला जाएगा नौ, फिर यहाँ पे आएगा, यही प्रक्रिया क्या होगा, बार बार होगा, कितना बार होगा, दस बार हो जाएगा, बीस बार हो जाएगा, पचास बार हो जाएगा, जितना बार हम चाहेंगे उतना बार हो जाएगा, और कितना बार प्रिंट हो जाएगा टेबल, जितने बार लूप चलेगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपका क्लियर होगा, क्लियर है, नहीं है, है क्लियर? आप लोग बार बार अभ्यास करिए, आप लोग को बार बार किस चीज का जरूरत है, हाँ ठीक है, आपने कहानी सुना है, नहीं सुना है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परे निशान, सुना है नहीं सुना है आपने, है नहीं सुना है आपने, बोलिए सुने हैं सर, बचपन से तो यह पढ़ते आ रहे हैं, क्यों, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं हम, अब इतना बार सुन लिए हैं कि सपने में भी याद रहता है, मैं सही कह रहा हूं ना, ये देखिए जी, चल रहा है लूप ठीक उसी तरह से। यहां पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा दिया क्लिक करके, ठीक, अब ये बार बार चलेगा, ठीक, मैंने इस पे आया रन कर दिया ब्रेक पॉइंट लगा के, इस वाले पे स्टेप ओवर पे क्लिक करा, यहां पे आया टेबल में क्या है, तीन, आई में देखिए क्या है, आई में है तीन, आ गया, मैं आया आगे ये वाला लाइन पे, टेबल प्रिंट हो गया होगा तीन, सच में हो गया होगा ना, ये देखिए हो गया है, यहाँ पे आया टेबल में कितना है, तीन, यहाँ पे है तीन, यहाँ पे है तीन, तीन और तीन छः हो जाएगा। आगे मैं बढ़ाता हूँ जी, ये देखिए इंड लूप में आया, अब फिर यहाँ पे आएगा, टेबल का वैल्यू छः हो चुका है ना, छः लेस देन इक्वल टू आई, आई में कितना है, तीन, दस को तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, तीस। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ लूप को, यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाला कंपेरिजन हुआ, अब आगे करा, इस पे आ गया जी, टेबल में कितना अभी है, छः है ना, ये वाला लाइन अभी चला, चलेगा, आगे किया, ये वाला लाइन चल गया, इस लाइन पे आ गया लूप, यहाँ पे छः प्रिंट हो गया होगा ना, ये देखिए छः प्रिंट हो गया है। फिर मैं इस वाले पे आऊँगा, टेबल में है छः, ठीक है, इस टेबल में भी है छः, इस आई में कितना है, तीन है, छः तीन नौ हो गया, तो यही हो रहा है जी बार बार। अब इसमें कितना है, टेबल में नौ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, नौ है टेबल में, आई में कितना है, तीन है, तीन को मल्टीप्लाई दस से करेंगे तीस आएगा, नौ ग्रेटर देन इक्वल टू तीस, वही होगा जो मैंने बताया था जो, ठीक है। तो क्लियर है सबको, इतना क्लियर है ना, नहीं है क्लियर, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा लूप का। एक लूप और है जी, डू लूप, डू वाइल लूप, वो भी बता दूं, आप लोग उसका खुद करोगे प्रैक्टिस, डू अंटिल लूप, डू वाइल लूप, ठीक। चलिए जी,
कट किया मैं, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, ऐसे कर दिया, ठीक। ये लीजिए, ये सिंटेक्स है, यहाँ पे डू लिखना है और यहाँ पे जो भी प्रिंट करना है वो लिख दीजिए, फिर इंक्रीमेंट करिए या डी इंक्रीमेंट करिए, फिर यहाँ पे लूप लिख लिए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए वाइल, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए टेबल, और यहाँ पे लिख दीजिए कंडीशन पूरा, ठीक। तो ये पूरा डू वाइल है, ठीक। तो इस लाइन में कोई किसी को समस्या, थोड़ा सा भी समस्या हो तो आप बताइए, मैंने उसी को जो है बदल दिया किस में, डू वाइल में, ठीक ठीक है जी। तो इसमें कोई समस्या, नहीं है समस्या, अच्छी बात है जी, समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत, रन कर दूं प्रोग्राम, कर दे रहा हूं रन, वही आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, हाँ बताइए कैसे चल रहा है। डेटा पहले इनिशियलाइज हो जाएगा, ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा, आएगा डू के अंदर, फिर आएगा यहाँ कंसोल में, यहाँ पे क्या करेगा, टेबल को प्रिंट करेगा, यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, क्लिक कर दिया, ठीक। अब इसको करूँगा रन, तो क्या होगा, कैसे कैसे प्रोग्राम चल रहा है वो पूरा हमें समझ में आएगा। स्टेप ओवर करूँगा यहाँ पे, इस पे क्लिक करके, या शिफ्ट एफ टेप एट दबा दूंगा, क्लिक करा, आ गया इसमें, आया, अभी प्रिंट हुआ नहीं होगा, देखिए नहीं हुआ है, ये वाला लाइन चलेगा, तो आगे मैंने बढ़ाया तो ये लाइन चल गया, अब यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा तीन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, टेबल का वैल्यू तीन है, आई का भी वैल्यू तीन है, तीन और तीन छः हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है जी। अब इंक्रीमेंट हुआ, अब यहाँ पे आएगा, फिर से आगे बढ़ाता हूँ लूप, ठीक है, आगे बढ़ाया, यहाँ पे अब आया, छः हो गया है, टेबल का वैल्यू छः लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू कितना है अभी, तीन, ठीक है, तो तीन मल्टीप्लाई बाई दस कितना आ जाएगा जी रिजल्ट, तीस। तो टेबल माने छः, छः लेस देन तीस, कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो कंडीशन जब ट्रू होगा तो फिर से डू में जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया यहाँ पे डू में, अब यहाँ पे आएगा कंसोल डॉट राइट में, टेबल का वैल्यू छः है जी, तो अभी प्रिंट नहीं हुआ होगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा तो अब प्रिंट हो गया होगा छः, तो यहाँ पे आ गया छः, ठीक। टेबल में छः है, आई में है तीन, छः और तीन नौ हो जाएगा, तो यहाँ प्रिंट कर देगा नौ जी, अभी नहीं प्रिंट करेगा, सिर्फ वैल्यू इंक्रीमेंट करा। फिर से मैं आगे बढ़ाता हूँ, फिर यहाँ क्या आया, टेबल लेस देन इक्वल टू नौ, ठीक, नाइन लेस देन इक्वल टू नौ नहीं, लेस देन इक्वल टू तीस आ जाएगा, टेबल का वैल्यू नाइन है, आई का वैल्यू कितना है जी, थ्री है, तीन ही है ना, तो तीन यहाँ पे तीस हो जाएगा, तो नौ लेस देन इक्वल टू तीस कंडीशन हो जाएगा क्या, ट्रू हो जाएगा ना, फिर से जाएगा ऊपर, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक कि फाल्स ना हो जाए ये कंडीशन, ये कंडीशन फाल्स ना हो जाए। अब ये कब फाल्स हो जाएगा, जब टेबल का वैल्यू 30 से ऊपर हो जाएगा, माने 33 हो जाएगा या 32 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे तीन तीन ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं बार बार क्लिक कर दिया हूँ। अब देखते हैं जी, 27 हो गया, एक बार और क्लिक करता हूँ, इसमें आ गया, यहाँ पे टेबल का वैल्यू 27 ही है, अब प्रिंट करेगा, यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है, अब ये लाइन चलेगा, ये देखिए टेबल का वैल्यू 30 हो गया है, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, अब यहाँ पे 30 प्रिंट करेगा, अब ठीक है 30 प्रिंट करा, यहाँ पे आया, टेबल का बढ़ाएगा, एक बढ़ा दिया, ये देखिए 33 हो चुका है टेबल का वैल्यू, अब यहाँ पे तीन दस, तीन को मल्टीप्लाई किया 10 से, आ गया कितना 30, तो 33 जो है बड़ा हो गया 30 से। अब इसको मैं आगे करूँगा तो लूप जो है टर्मिनेट हो गया, कंसोल यहाँ पे रीड लाइन कर रहा है, मतलब यहाँ 30 के बाद ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, जैसे ही मैं और आगे बढ़ाऊँगा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया जी, ठीक है। तो ऐसे ये चल रहा है, कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है,
नहीं पूछना है, पूछना है तो क्या चीज जो लूप है कि वो लंबा नहीं होता है कैरेक्टर में? लूप आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां पे कोई स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो वहां पे आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि गिनती ही रहे, गिनती को इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करें और फिर हम उसमें करें, हम कंडीशन किसी भी तरह का ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कंडीशन ले सकते हैं, बस ट्रू फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, आगे जो है आपको और प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा जो है। ठीक है, बस यहाँ पे ट्रू फॉल्स चाहिए, बस जब तक ट्रू रहेगा तब तक लूप चलेगा और जब ट्रू नहीं रहेगा तो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ पूछना है जी पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बाकी कल पढ़ें, आज ही और पढ़ लें, क्यों बाकी कल पढ़ लें। ठीक है, लूप का आप लोग करिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी लिस्ट बॉक्स को हम कल पढ़ लेंगे।